नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 40 साल के शख्स पर आरोपित के घर के आंगन से बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को आरोपित ने पुआल में छिपा कर रखा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मरका थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति सूरत में साड़ी छपाई का काम करता है। उसकी पत्नी, 2 बेटी और 2 बेटों के साथ गांव में रहती है। उसकी 5 साल की बच्ची शाम 4 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी दादा ने उसे लैया नमकीन खिलाने का लालच देकर उसे घर बुलाया। बच्ची जैसे ही उसके घर दाखिल हुई उसने दरवाजा बंद कर लिया। आरोप है कि इसके बाद दादा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी लुंगी से गला कस दिया। मौत होने के बाद बच्ची का शव उसने आंगन में पुआल में छुपा दिया। समुद्रा थाना मरका अंतर्गत एक घटना घटित हुई जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची थी। उसके बाबा के चचे भाई के द्वारा उसको घर में महिला फुसला के बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।